और हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि हम न्यायपालिका के हर सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वह उस पर अगर स्पीडली ट्रायल करके उसको सजाए दिलाया जाएगा तब वो अपराधी पर शिकंजा कसा जाए। इन सब बातों को हम शेयर करने के दृष्टि से आज अपने किरण रिजवी जी से मुलाकात किए थे, जिसकी खुलासा हुई अपराध अनुसंधान विभाग ने किया और जिन पर शिकंजा कसने का काम आज बिहार सरकार के आला अधिकारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहता है, विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर रहता है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के कानून मंत्री प्रमोद जी हैं। सर, आप दिल्ली दौरे पर आए हैं, कुछ विशेष मुलाकात भी हुई किरण जी से, क्या बातें हुई हैं सर? देखिए, जो लंबित वाद हैं, जो पूरे देश में 3 करोड़ लगभग लंबित वाद हैं और बिहार में लगभग 25 लाख वाद हैं, तो इसकी त्वरित न्याय हो, जो न्यायपालिका में रिक्त पद हैं उसको थोड़ा सा भरा जाए, फिर अनुमंडल स्तर पर न्याय हो, और जो जैसे मान लीजिए कि मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक आदेश है कि 3 दिन से ज़्यादा कोई फाइल नहीं रोक सकता है, तो उसी प्रकार जुडिशियल का भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कौन न्याय कितने दिन में करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, इस पर एक वैधानिक व्यवस्था व्यवस्थित करना होगा कि आखिर कितना दिन तक बाद लड़ेंगे, कितने दिन में न्याय देंगे, और जब तक त्वरित न्याय नहीं होगा, त्वरित जजमेंट नहीं होंगे, तब तक जो अपराध और अपराधी पर जो शिकंजा कसने की बात है वो मजबूत नहीं होगा। तो इसी दृष्टिकोण से हमने अपने माननीय कानून मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी से मैंने भेंट करके बात कहा, उन्होंने भी कहा कि हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस पर चिंता जाहिर किए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि हम न्यायपालिका के हर सुविधा दे रहे हैं, तो न्यायपालिका भी स्पीडली ट्रायल करे, त्वरित न्याय करे। चूँकि आज जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं, पुलिस पदाधिकारी, तो वो तो पकड़ कर बंद किए, लेकिन वह उस पर अगर स्पीडली ट्रायल करके उसको सजाए दिलाया जाएगा तब वो अपराधी पर शिकंजा कसा जाए। अगर उसको सजाए नहीं दिलाया जाएगा तो बेल आउट होकर और फिर वो अपराध के दुनिया में अपना ख्याति प्राप्त करेगा। तो ये सब लेकर इसमें जो जुडिशियल की जो भूमिका है उसको और स्पीड करना और तेज करना, इस दिशा में जो हमारी सरकार की चिंताएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी की चिंताएं हैं, इन सब बातों को हम शेयर करने के दृष्टि से आज अपने किरण रिजवी जी से मुलाकात किए थे। बिहार में सर कानून व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था हमेशा से एक मुद्दा रहा, विपक्ष भी लगातार आप लोग पर हमलावर रहता है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था लगातार चरमरा रही, इसको कैसे दुरुस्त करने की? देखिए, विपक्ष के पास तो कोई एजेंडा नहीं है, विपक्ष जो उसी का तो बिगाड़ा हुआ रास्ता है जो हम लोग अभी सुधारने में अभी लगे हुए हैं। विपक्ष ने जो एडमिनिस्ट्रेशन को लूज फूज किया, विपक्ष के समय पहले क्या था कि अपराधी कहाँ पकड़े जाते थे, तो नामचीन लोग के घर पर पकड़े जाते थे, और अपराध की मध्यस्थता कौन करते थे, तो नामचीन लोग करते थे। पहले स्टेशन से उतर कर रात में पटना अगर उतर गए 10 बजे रात को स्टेशन पर, तो रात भर स्टेशन पर समय गंवाना पड़ता था, चाहे आप मोतिहारी स्टेशन पर उतर जाए, और वह घर नहीं जाते थे क्योंकि घर जाने में उनको बहुत खतरा था, और पहले अपराध का जो है अपहरण उद्योग, रैंसम, ये जो आपराधिक जो घटनाएं थी वो पिछले 15 साल में जब विपक्ष की सरकार थी, जो आज विपक्ष के नेता चिल्ला रहे हैं उनके मम्मी पापा की सरकार थी, तो उनकी कारगुजारी जो है उसको हम लोग झेल रहे हैं। आज चाहे जितना बड़ा अपराधी हो उस पर बिहार सरकार ने शिकंजा कसने का काम किया है। आज अपराधी चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही लोग क्यों नहीं हो, चाहे नामचीन लोग ही क्यों नहीं हो, उन्हें भी बिल से निकाल कर और सुर्खियों पर पहुंचाने में आज बिहार सरकार कामयाब हुई है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है
चाहे जो भी अपराधी हो, जिस तरह के अपराधी हो, उन पर विधिवत विधि संगत उन पर शिकंजा कसा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिसका परिणाम है कि कई पदाधिकारी और कई बालू माफिया की जो गठबंधन और साठगांठ है, जिसकी खुलासा हुई, अपराध अनुसंधान विभाग ने किया और जिन पर शिकंजा कसने का काम आज बिहार सरकार के आला अधिकारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल है सर कि 26 तारीख से आप लोग का विधानसभा सत्र चालू हो रहा है, विपक्ष की ओर से जैसे पिछले सत्र में जो घटनाएं हैं उसको लेकर लगातार डर व्यक्त किया जा रहा है कि विधानसभा में विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगा? देखिए, विधानसभा एक विधायिका की नियमावली है, उस नियमावली के तहत विधानसभा चलता है और जो विधायक माननीय विधायक हैं उस नियमावली को ताक पर रखकर और जो स्पीकर है उनके माथा पर चढ़ जाएंगे, उनके आसन पर चढ़ जाएंगे, तो कानून तो अपना काम करेगा ही।